हेलो दोस्तों, वॉइस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम काफ़ी सारे मल्टीपल शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, उस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ शेयर मार्केट से रिलेटेड और डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक से रिलेटेड और उनके फंडामेंटल एनालिसिस कर रखे हैं, तो आप जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो साबित हो सकते हैं। उस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, बस उससे पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको इस तरीके की वीडियोज़ मिलती रहे। तो आइए वीडियोज़ की तरफ चलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की। तो आपको पता ही है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हमारा शेयर बाजार का सबसे दिग्गज शेयर है और मार्केट कैपिटल के हिसाब से नंबर वन पर आता है। ओके, और जियो जो इनका प्लेटफॉर्म है और इसके अलावा जियो मार्ट, तो उन्होंने धूम मचा रखी है। आज भी देखेंगे तो 0.5 पॉइंट से इसने जंप लगाई है, मतलब 0.26% की यहाँ पर उछाल आया है। बट इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है कि रिलायंस रिटेल फ्यूचर ग्रुप डील में गेट फाइनलाइज टुमारो ट्रांजेक्शन वैल्यू एट। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से किशोर बियानी की फ्यूचर ग्रुप, अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिग बाज़ार का नाम आपने सुना होगा। ओके, बिग बाज़ार में आप लोग सभी गए भी होंगे, तो बिग बाज़ार एक फ्यूचर ग्रुप का एक पार्ट है। तो रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप, ओके, जो ये किशोर बियानी जी है, इनके बीच में डील होनी थी, काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी थी, तो ये डील कल की डेट में फाइनलाइज हो सकती है। किशोर बियानी फ्यूचर इंटरटेनमेंट सेट टू सील रिलायंस रिटेल डील ऑन सैटरडे, मतलब सैटरडे मीन्स कल, तो कल की डेट में ये डील पक्की हो सकती है। तो इसके ऊपर आप इन दोनों शेयरों की तरफ नज़र बना सकते हैं। फ्यूचर ग्रुप का भी शेयर है, इसके अलावा रिलायंस का भी है, बट मैं आपको चाहूँगा कि रिलायंस ही फ्यूचर ग्रुप को टेक ओवर कर रहा है, तो रिलायंस के शेयर की तरफ आप नज़र रखना मंडे को। तो मंडे को काफ़ी अच्छा उछाल आपको शायद देखने को मिल सकता है अगर ये डील कल क्रैक हो गई तो। इसके अलावा इसका एक कॉम्पिटिटर है रिलायंस का, जियो के कॉम्पिटिटर भारतीय एयरटेल। तो एयरटेल जैसे कि आपको पता ही है बहुत अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करता है। ओके, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो आज की डेट में लगभग 11 पॉइंट्स की, मतलब 2.22% की यहाँ पर जंप देखी गई है। तो आप इस शेयर की तरफ भी नज़र बना के रह सकते हैं और अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। काफ़ी फ्यूचर ओरिएंटेड शेयर ये नज़र आता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ पीवीआर की। तो पीवीआर ने आज 106 पॉइंट्स की जंप लगाई है, मतलब 7.96% की जंप, 1442 रुपये का ये शेयर आज हो चुका है। मैंने पीवीआर से रिलेटेड एक ऑलरेडी पीवीआर और आयोनेक्स से रिलेटेड 3 से 4 बार वीडियोस बना रखी है, तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने आपसे 1000, जब 1100 के आसपास ये शेयर चल रहा था तभी से मैं वीडियो बनाता आ रहा हूँ और तभी से मैंने आपसे कहा भी है इसकी तरफ नज़र रखी है, इसे खरीदिए, ये आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा। ओके, तो अभी भी बहुत सारा इसमें चांस है क्योंकि मैं आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। तो लगभग ये शेयर गिरा कितने से है, ये शेयर गिरा है 2000 रुपये से, 2000 से ऊपर, तो अभी भी 600 रुपये नीचे चल रहा है। तो आप इस अभी भी इस पे नज़र बना सकते हैं। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ ये आ रही है कि नेक्स्ट मंथ में जब अनलॉक 4 शुरू होगा तो ये पीवीआर और आईएनएक्स ये दोनों के दोनों ओपन हो सकते हैं, ये थिएटर है, दोनों के दोनों ओपन हो सकते हैं, और अगर ये ओपन हो गए तो ये शेयर बड़ी तेज़ भागने वाले हैं। ओके, तो 1-2 दिन में न्यूज़ आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। तो अगर ये ओपन हो गए तो ये शेयर डेफिनेटली बड़ी तेज भागेंगे। आज भी देख सकते हैं 106 पॉइंट्स की जंप, 7.96% की जंप आज के दिन में ही आज मुनाफा इसने दे दिया है। जिसने आज भी मॉर्निंग में इन्वेस्ट किया होगा तो अच्छा खासा उसे प्रॉफिट हो रहा होगा। तो इसकी तरफ आप नज़र बना के रख सकते हैं और मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी डाल रखी है 3 से 4 बार, फंडामेंटल एनालिसिस भी कर रखा है इन दो शेयरों का, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आयोनक्स की बात कर ली जाए तो ये आयोनक्स पिछले 1 महीने से क्या भाग रहा है। ओके, मैंने 223-224 रुपीज़ पे, 230 रुपीज़ के आसपास जब शेयर था तभी से मैं ये वीडियो बनाता आ रहा हूँ। ओके, और आज की डेट में 8% का, 2.9690% का इसने जंप लिखा है, मतलब 9 पॉइंट्स के लगभग, तो 303 पे आज ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो आप इसकी तरफ भी नज़र बना सकते हैं, ये भी काफ़ी दिग्गज शेयर है।
वीडियोस ऑलरेडी आपको बना रखी है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर पे आते हैं, तो काफ़ी टाइम से ICICI बैंक स्ट्रगल कर रहा था लाइक अदर बैंक्स, बट काफ़ी, और अभी देखिए आज के दिन ही 17 पॉइंट्स की जंप, मतलब 4.4% की जंप आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप इस बैंक की तरफ भी नज़र बना सकते हैं। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, तो लगभग ये 506 का शेयर हुआ करता था, जिससे गिर के ये 384 पे आया था। ओके, तो आप देख लीजिए, अभी भी आपके पास मौका है ये शेयर को, और बड़े बड़े, ये दुनिया का वो शेयर है जो फॉरेन इन्वेस्टर भी इसकी तरफ नज़रें बनाए हुए, सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला शेयर ये है, तो इसकी तरफ नज़र बना के रखिए। इसके अलावा दूसरा शेयर एक्सिस बैंक, ओके, ये शेयर लगभग 36 पॉइंट्स की, मतलब 7.74% की इसने भी आज जंप दिखाई है। 6 मंथ पहले लगभग 700 रुपये के आसपास ही आपको शेयर मिलता था, और अभी ये 509 पे मिल रहा है, 303 रुपये तक ये नीचे आया था। ओके, तो आप इसकी तरफ भी नज़रें बना सकते हैं, अभी भी ये 700 से काफ़ी नीचे चल रहा है, तो इस शेयर की तरफ आप नज़रें बना के रखिए। ये शेयर काफ़ी दिग्गज शेयर बन, और अलग अलग टारगेट इसके बना रखे हैं, लाइक ICICI बैंक एंड HDFC बैंक। एक कंपनी है एफ एल इंडिया, मैंने कभी इसके ऊपर आप बातें नहीं करी, ओके, जिस बट मैं इसका शेयर, इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करके इस कंपनी के बारे में बहुत जल्दी, मतलब आपको शायद कल या फिर परसों में आपको वीडियो डाल दूंगा, तो आप इस कंपनी के ऊपर भी नज़र बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा शेयर है, 2-3 साल ही हुए, अच्छे रिटर्न इसने दिए, बट पिछले 2 दिन से इसमें केवल लोअर सर्किट ही नज़र आ रहा है, लोअर सर्किट, क्योंकि इसके ये शेयर काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। तो उस वीडियो में हम सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मैक्सिमम भी देख लेते हैं। तो लगभग 800 रुपये पे शेयर लास्ट ईयर अगस्त में ही, एक साल पहले ये लिस्ट हुआ था, और आज 2600 के आसपास ये नज़र आ रहा है, और ये लगभग कितने, 52 वीक हाई भी देख लेते हैं, 3000 रुपये तक ला ये गया हुआ था। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जल्द, तो उसकी तरफ आप नज़रें रखिएगा, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पूरा नज़र आ जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का, हमारे प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें करी थी, बताया था कि इस तरीके से हम करने वाले हैं, हम आत्मनिर्भर भारत के साथ चलेंगे, तो हम खुद ही, और इससे पहले राजनाथ सिंह ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि 101 जो हम जो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हम खरीदते थे बाहर से, उन्हें सब बैन कर दिया है, अब वो खुद हम हिंदुस्तान में ही बनाएंगे, तो काफ़ी मजबूत हमारी इकनॉमी होती नज़र आएगी। तो आज के दिन देखिए 3 पॉइंट्स की जंप, 0.31% की जंप, बट ये जंप इसलिए कम नज़र आ रही है आपको, क्योंकि इसका आया है OFS, ओके, ऑफर फॉर सेल इसका आया हुआ है, जो कि कम, ये सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, तो 15% तक की शायद हिस्सेदारी बेची है, जिस वजह से जो OFS है 1001 रुपये में उन्होंने लिस्ट किया है, जिस वजह से ये शेयर देखिए पहले अभी चल रहा था, 5 दिन पहले ही देख लीजिए तो 1217 रुपये पे शेयर कर रहा था, बट कल के दिन ये शेयर काफ़ी 160-170 पॉइंट्स की इसने नीचे जंप पर दिखाई, नीचे गिर गया था ये शेयर, जिस वजह से ये शेयर अभी आपको दिखाई दे रहा है, बट एक अच्छा मौका था ये, आज के दिन भी OFS में भी लोगों ने काफ़ी अच्छा खरीदा है, तो 984 पे आज के इसका सबसे लोएस्ट भी था, तो लोगों ने अच्छा खासा खरीदा भी है, और ये आगे चल के काफ़ी आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, जैसे कि पिछले 6 महीने में देखिए तो लगभग 500 रुपये पे चलने वाला, 400 रुपये पे चलने वाला शेयर आज 1000 रुपीज़ से, और 1200 तक आने वाला ये शेयर था, और ज़्यादा पुरानी कंपनी भी नहीं है, 2018 में ये कंपनी आई है, तो इसकी तरफ भी आप नज़रें बना सकते हैं। इन्फॉर्मेशन यही थी कि इसका OFS आया था, तो कल की डेट में नॉन रिटेल पोर्शन खुला था, जिसमें OFS सब्सक्राइब हुआ था 1.3 टाइम्स, और ऐसा लग रहा था कि ये OFS ज़्यादा चलेगा नहीं, बट रिटेल पोर्शन भी देखिए आज के दिन जो हुआ था रिटेल्स इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो भी HAL का OFS सब्सक्राइब 4% सो हुआ, तो 4% तक का ये OFS सब्सक्राइब हुआ है, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, तो इस इन शेयरों की तरफ आप नज़रें बना सकते हैं। ओके, और अगर आपको ये वीडियो, ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके, कोई इन्फॉर्मेशन अगर मुझसे चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो आप उसे नीचे लिख सकते हैं, कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा, एज वेल एज मैं आपको उसके ऊपर वीडियोस कब बना रहा हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो लाइक कमेंट शेयर करिए। इसके अलावा हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि आपको इससे शेयर बाजार से रिलेटेड बहुत सारी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन होती नजर आए।
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।